देखिए दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट में पूछा हुआ है हमसे कि जैसे गाड़ी हम ओवरटेक करते हैं गुरुजी, तो हमको ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम होती है। कितनी गाड़ी जाने के बाद, पार करने के बाद हम फिर से अपनी लेन में आए, कितना गैप ले करके हम गाड़ी को पास करें। ठीक है दोस्तों, तो इस बताते हैं आपको, प्रॉपर तरीके से वीडियो समझिए, आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों, तो करते हुए जब तक हमको अंदर से फील ना आए कि हमारे लिए पर्याप्त स्पेस है, तब तक हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली बात ये नोटिस करिए, जब अंदर हमको फुल कॉन्फिडेंस होगा तभी हम गाड़ी को ओवरटेक करेंगे। ठीक है, ओवरटेक करने के बाद हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करेंगे रोड पे। ठीक है, दाहिने साइड से सामने हमारी गाड़ी है तो उसके दाहिने साइड से हमको ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने के बाद हम अपने मिरर में देखेंगे, जब गाड़ी हमको पूरी गाड़ी अपने मिरर में पीछे दिखने लगेगी तो अंदाजा मिल जाएगा हमको कि हमारी गाड़ी पार हो गई है, तब जाके हमको फिर से अपने लेन में गाड़ी लेनी है, उसके पहले लेन में नहीं लेनी है। ठीक है, और ओवरटेक तब करनी है जब अगली गाड़ी, हमारी गाड़ी जितनी स्पीड पर हम चल रहे हैं उससे हमारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वो 60 पे चल रही है, हम 80 पे चल रहे हैं, तभी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे। अगर हमको भी 60 पे ही चलना है तो अक्सर ड्राइवर लोग क्या करते हैं, गाड़ी ओवरटेक करके फिर से स्पीड डाउन करके उसके सामने लगा देते हैं। इस तरीके से दोस्तों करने पर अक्सर करके दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। जब हम जो सामने वाली गाड़ी है उससे तेज हमको जाना है तभी ओवरटेक करेंगे। ओवरटेक करने के बाद जब हमको अपने मिरर में दिखने लगी पूरी गाड़ी पीछे कि हमारी गाड़ी पूरी क्रॉस हो गई है मिरर में देख करके, तब फिर से अपनी लेन में इंडिकेटर दे के लेना है। ठीक है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी अपनी लेन से दूसरी लेन में नहीं लेंगे। जब दाहिने लेन में लेंगे तो इंडिकेटर दे के, बाएं लेन में लेंगे तो बाएं इंडिकेटर दे के। ठीक है, ताकि पीछे वाली गाड़ी समझ जाए कि अगले ड्राइवर की मूवमेंट क्या होने वाली है, तब आप सेफ ड्राइव रहेंगे, सुरक्षित करेंगे। बिना इंडिकेटर के अगर हम गाड़ी की मूवमेंट करते हैं तो हमारी गलती होती है, उसमें अगला जान जाएगा कि अनाड़ी ड्राइवर है। ठीक है, और फिर गलती उसमें हमारी ही मानी जाएगी। इसलिए दोस्तों इस बात का याद रखिए। एक बात और नोटिस करिए, जब शुरू शुरू में हम छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चलाने लगते हैं, छोटी गाड़ी क्या होती है, थोड़ा सा स्पेस लेके चलती है। ठीक है, तो हम गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी नहीं, अपने लेन में ले लिए, इस तरीके से बड़ी गाड़ी में नहीं करना है हमको। ठीक है, बड़ी गाड़ी को पर्याप्त स्पेस चाहिए पास करने के लिए, धैर्य के साथ, आराम के साथ। छोटी गाड़ी आदत पड़ी होती है, झम से निकाले, झम से आगे करके अपने लाइन में चले गए, इस तरीके से बड़ी गाड़ी में नहीं होता है। बड़ी गाड़ी को स्पेस पर्याप्त जब तक होना, जगह ना हो जब तक, तब तक आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, सामने से अगर एक बाइक वाले अभी आ रहा है तब भी आपको उसको बचा के आराम से निकालना है, जब तक फुल स्पेस ना हो तब तक आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ऐसे ही बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ियों में अक्सर करके घटना दुर्घटना हो जाती है ओवरटेकिंग में बहुत ज़्यादा। इस तरीके सावधानी रख करके, तब समझ करके, तब आपको रोड पर ड्राइव करना है। बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी में यही अंतर होता है कि बड़ी गाड़ी आप धैर्य के साथ चलाना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये विशेष पॉइंट नोटिस करिए कि जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य के साथ आपको ड्राइव करनी होती है। छोटी गाड़ी में आप जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी में वैसा नहीं किया जाता। ठीक है, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आपको तब पास करनी होती है, तब आपकी सुरक्षित ड्राइविंग मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय श्री राम।